गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्टिफिकेट को ओपन कर लेने के बाद सर्टिफिकेट की डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है। लेयर बना लेने के बाद आपको इसको जूम करना है, कंट्रोल स्पेस लेफ्ट क्लिक। जूम कर लेने के बाद अब आपको इसको इरेज करना है। इरेज करने के लिए रेक्टेंगुलर टूल को लेना है। रेक्टेंगुलर टूल को लेने के बाद आपको वाइट एरिया सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल सी से कॉपी करना है। कॉपी कर लेने के बाद कंट्रोल अल्ट से ड्रैग करना है। ऐसे ही आपको कंट्रोल अल्ट नीचे की तरफ ड्रैग करना है। चलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। मैंने सारा मैटर इरेज कर लिया है। अब मैं एक PNG को ऐड करूँगा। इस PNG को ऐड करता हूँ। अब इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद आपको इसे बैकग्राउंड पे ड्रैग करना है। ड्रैग कर लेने के बाद आपको ट्रांसफॉर्म करना है, कंट्रोल टी और शिफ्ट के साथ इसे छोटा करना है। चलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। PNG ऐड करने के बाद आपको टेक्स्ट टूल को लेना है। टेक्स्ट टूल को फिर ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे नाम डालना है। नाम डालने के बाद इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए आपको कलर पे टिक करना है और यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। अब इसका साइज़ बड़ा करना है। साइज़ बड़ा कर लेने के बाद आपको इस पे इसको सिलेक्ट करना है और फंड को सिलेक्ट करना है। अब डाउन एरो पे क्लिक करना है। फंड चेंज होता रहेगा। चलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। देखिए, मैंने इस सर्टिफिकेट को एडिट करके बड़े आसानी से मैंने इस सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर लिया है। इसी तरीके से आप किसी डॉक्यूमेंट या मार्कशीट या किसी भी डॉक्यूमेंट को आप बड़े आसानी से एडिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।